The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, aadab, sat sri akal, dosto, main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, aaj hamare saath hain ek bahut hi zordar hasti. मैं मिलाना चाहूंगा आपको डॉक्टर रजत गुप्ता. ये एक प्लास्टिक सर्जन है, बहुत फेमस प्लास्टिक सर्जन है. पिछले 10 साल का इनको एक्सपीरियंस है. अभी हाल ही में इनको बेस्ट प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया का अवार्ड भी मिला था और ये गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं अपने नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट नेशनल बोर्ड से जब इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट करी है. बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है प्लास्टिक सर्जरी और स्पेशलाइज्ड है काफी सारे एडवांस प्रोसीजर में. तो आज इनसे बात करेंगे हम आपके साथ गायनेकोमास्टिया के बारे में कि गायनेकोमास्टिया जो कि आज के डेट में बहुत सारे यंग जनरेशन के बच्चे जो यंग लोग इवन एडल्टहुड में या इवन मिडिल एज ग्रुप में बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं, कोशिश करते हैं अपने आप को फिट बनाने की, लेकिन उस एक पॉइंट के वजह से गायनेकोमास्टिया के वजह से वो जो विदाउट कपड़ों के अपने आप को देखने में शर्म महसूस करते हैं, थोड़ी झिझक महसूस करते हैं और उस चीज के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करेंगे कि कितना कॉमन है ये और इसका जो ऑपरेशन होता है कितने लोगों को कराना पड़ता है, कितनों को नहीं कराना पड़ता. आज इस बारे में हम एक स्पेशलिस्ट से बात कर रहे हैं तो इस मौके को जाने मत दीजिए, जरूर वीडियो पूरा देखिए. और आइए बात करते हैं डॉक्टर रजत गुप्ता जी से. नमस्कार सर जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, थैंक यू डॉक्टर परमजीत फॉर अ वेरी वेरी वार्म वेलकम. बहुत अच्छा लग रहा है आपने बुलाया और हम आज बात करने वाले हैं गायनेकोमास्टिया के बारे में. सो आई एम ऑल एक्साइटेड एंड ऑल रेडी फॉर ऑल योर क्वेश्चंस एंड योर बुकिंग्स. तो रजत जी, सबसे पहला सवाल होगा कि कितना कॉमन है ये गायनेकोमास्टिया आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस में? वैसे देखो थ्योरेटिकली तो हमें भी इसमें पढ़ सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर एक मेट्रो सिटी में आप कितना कॉमनली देखते हैं एक गायनेकोमास्टिया को? परमजीत जी, गायनेकोमास्टिया या गायनेकोमास्टिया सर्जरी, मैं तो सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी करता हूँ. इट इज द मोस्ट कॉमन कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी डन इन द कंट्री फॉर मेल्स आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट. तो हेयर ट्रांसप्लांट बहुत कॉमन है, वैसे ही गायनेकोमास्टिया सर्जरी बहुत ज्यादा कॉमन है. और इसका एवरेज एज ग्रुप कितना मानते हैं, किस एज के लोग ज्यादा करवाते हैं और किस एज के ग्रुप में ज्यादा देखी जाती है ये आपके एक्सपीरियंस में? देखो, हम बात करेंगे आज सारे कॉजेस की. आपका आपको मालूम ही है एडोलेसेंट में होता है, बट ज्यादातर जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो बिटवीन 25-40 ईयर्स ऑफ एज में आते हैं. क्योंकि तब तक वो थोड़ा सा होश संभाल चुके होते हैं, दे आर मोर अवेयर अबाउट देयर बॉडीज एंड देयर कंसर्न एंड देन दे आर मोर रेडी टू गो फॉर द प्रोसीजर. बिकॉज जब वो टीन एज में होते हैं तो आधी बार तो लोग शर्मा ही होते हैं, किसी को बात ही नहीं कर पाते, बता ही नहीं पाते. सही बात है. तो इस उम्र में लेकिन देखिए थेरोटिकली अगर बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि हॉर्मोनल चेंजेस के वजह से आपके गायनेकोमेस्टी आ रहा है और थेरोटिकली ये हार्मोन चेंजेस जब ठीक हो जाते हैं तो कायदे से ये कम भी हो जाता है. तो आपके एक्सपीरियंस में ये कितना नॉर्मली देखा गया है कि गायनेकोमास्टिया चला जाता है खुद से वेट करने पे, या फिर इसके लिए कोई स्पेशल प्रोसीजर कराना ही पड़ेगा, ये कितना चांसेस क्या होते हैं इसके? परमजीत जी, हम दो चीजों में पहले डिफरेंशिएट करेंगे, एक गायनेकोमास्टिया और एक सूडो गायनेकोमास्टिया. ओके, सो सूडो गायनेकोमास्टिया में क्या होता है, एसेंशियली फैट होता है ब्रेस्ट में चेस्ट में मेल्स की, और जो गायनेकोमास्टिया होता है उसमें मेजोरिटी कंपोनेंट ग्लैंड होता है, ब्रेस्ट ग्लैंड या ब्रेस्ट टिश्यू होता है. इट्स नॉट जस्ट फैट, फैट भी हो सकता है गायनेकोमास्टिया में, अराउंड द ग्लैंड होता ही है, बट मेजोरिटी ग्लैंड है. सो जो पेशेंट्स में ग्लैंड बन गया है स्पेशली टीनेज के बाद, एडोलेसेंस प्यूबर्टी के बाद, वो ग्लैंड वो टिश्यू गायब नहीं होगा. आपका हार्मोनल इश्यूज तो थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, कुछ महीनों सालों के लिए ड्यूरिंग प्यूबर्टी, वो ठीक हो जाते हैं. दिस इज एडोलेसेंट हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्रेस्ट इशू की अगर हम बात करें, सिर्फ उस कारण की बात करें, बाकी बात भी है, बाकी कॉजेज भी होते हैं, आपको मालूम ही है मेडिसिन इंड्यूस्ड ऑल दोस.
सो अगर उस कारण की बात करें जिस कारण से मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट को होता है एडोलेसेंट हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, वो ब्रेस्ट टिश्यू अगर बन गया है रीजनेबल साइज का वो खत्म नहीं हो सकता। हाँ अगर आपका फैट कारण होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं ब्रेस्ट टिश्यू बढ़ के, फैट बढ़ने के कारण तो चलो ओबेसिटी ही है, वो जब वजन बढ़ गया तो फैट बढ़ जाएगा तो फैट वहां भी आएगा, लेकिन ब्रेस्ट टिश्यू के स्पेसिफिक ब्रेस्ट टिश्यू के बढ़ जाने का मेन मेन टॉप रीजंस क्या है? ओके तो मेन कारण होता है गायनेकोमेस्टिया का इट इज एडोलेसेंट हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। तो परमजीत जी आपने देखा होगा बहुत लड़कों को ड्यूरिंग प्यूबर्टी ग्रोथ फेज हार्मोनल इश्यूज बहुत होते हैं, किसी किसी के डिलेड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं लाइक दाढ़ी मूछे लेट आना, किसी किसी से अगर आप बात करते हो 13-14 साल की उम्र में फोन पे बात कर रहे हो आपको लगता है लड़की से बात कर रहे हो लेकिन वो लड़का होता है, लैरिंजियल चेंजेस भी होते हैं बिकॉज द रेशियो ऑफ ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन इज डिफरेंट एट दैट टाइम। नाउ ड्यूरिंग दैट टाइम जिसमें ऐसा है उसमें वो ब्रेस्ट टिश्यू बन जाता है। अब मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में इट डज नॉट फॉर्म लाइक अ फुल फीमेल ब्रेस्ट, इट इज जस्ट अ स्मॉल टिश्यू। Why? Because hormonal imbalance कुछ महीनों के लिए था, maybe a साल के लिए था, it does not persist that it forms a full female breast. Majority patients grade 1 और grade 2 के होते हैं, gynecomastia के different grade होते हैं, क्योंकि वो उतना ही बन के रह गया। और अब उसके अराउंड अब आप देखो कि चेस्ट में स्किन होता है और मसल, मसल और स्किन के बीच में पतली सी लेयर फैट जो, अब जब ब्रेस्ट टिश्यू बन गया तो वहां वेस्कुलरिटी ग्रो हो गई, उनके नसें आ गई, वेसल्स आ गए, तो फैट डिपॉजिशन के चांसेस भी बढ़ गए, राइट? सो इट बिकम्स अ मिक्सचर ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू एंड फैट। सो अब क्योंकि वो फैट का जो कंपोनेंट है वो तो एक्सरसाइज से कम हो सकता है लेकिन जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो नहीं कम होता। करेक्ट करेक्ट। तो अल्टीमेटली फिर इन लोगों को सर्जरी ही एक ऑप्शन है या और कोई ऑप्शन भी है इनके पास? और कोई ऑप्शन नहीं है, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय एनी मेडिसिन ड्रग्स एक्सरसाइज। अगर वो ब्रेस्ट टिश्यू सब्सटेंशियल साइज का है एंड दे आर बॉदर्ड, सी बहुत लोगों में होता है, इट्स मोर देन 10% ऑफ मेल पॉपुलेशन हैज इट, सम आर माइल्ड, सम आर मॉडरेट, सम आर सीवियर, बट एवरीबॉडी इज नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, इट्स अ कॉस्मेटिक सर्जरी, इट हैज नो फंक्शनल रेलेवेंस इन देयर लाइफ, राइट? सो कॉस्मेटिक सर्जरी में यह है कि अगर वो इंसान खुद से ये बॉदर्ड है उस चीज को ठीक करने के लिए तो कराने चाहिए किसी दोस्त के। कहने का मतलब है कि अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं तो आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, अगर आप उससे शर्म महसूस करते हैं तो पूरी तरह से उसको हटाने का एक ही तरीका बचेगा, ऑपरेशन, अगर वो परमानेंट ब्रेस्ट टिश्यू बन चुका है। तो ये जानना अब सबसे जरूरी आ जाती है बात की एक पेशेंट कैसे जाने कि वो परमानेंट ब्रेस्ट टिश्यू कितना है और फैट का एस्पेक्ट कितना है, तो इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? ग्रेट क्वेश्चन। सो इसमें मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ, जैसे आजकल अभी कोविड चल रहा था तो ऑनलाइन कंसल्टेशन हो रही थी, तो उनको मैं बोलता हूँ कि आप एक काम करें, आपने अपना शर्ट उतारा, अपने राइट हैंड से अपना ब्रेस्ट टिश्यू पकड़े राइट साइड का, अपने हाथ में पूरा पकड़ ले, ठीक है, और अपने लेफ्ट हैंड से अपने पेट में, पेट में सबके फैट होता ही है, कितना भी लीन हो कुछ ना कंपोनेंट होता ही है, सो उसको पकड़े एंड फील द डिफरेंस इन द कंसिस्टेंसी। जो ब्रेस्ट टिश्यू होगा वो थोड़ा हार्ड होगा और जो एब्डोमेन का टिश्यू आप पकड़ेंगे वो सॉफ्ट होगा, तो आप समझ जाएंगे कि वो ब्रेस्ट टिश्यू है वो फैट है, सो ये कंसिस्टेंसी में डिफरेंस होता है। दूसरा एक और चीज बता दूं आपको, ये पिंच करना है या पूरा ग्रैब करना है? तो वो सिर्फ निपल के पीछे है, ग्रेड 2 है तो पूरी चेस्ट में फैल गया है, ग्रेड 3 है तो स्किन एक्सेस होने लग गई है, ग्रेड 4 है तो ऑलमोस्ट लाइक अ फेमिनिन ब्रेस्ट बन गया, तो ये ग्रेडेशन है। अगर ग्रेड 1 भी है तो जो भी टिश्यू है, जो बल्ब है उसको आप पकड़े और उतना ही बल्ब आप अपने लेफ्ट हैंड से पकड़े पेट का, तो यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन द कंसिस्टेंसी। दूसरी एक और बात बताता हूँ, बिटवीन डिफरेंस बिटवीन गायनेकोमेस्टिया सूडो गायनेकोमेस्टिया भी, आप सिर्फ अपने को अपने एरियोला को देख सकते हैं। मेल्स में जो एरियोला होता है निपल के अराउंड जो डार्क एरिया होता है वो बहुत छोटा सा श्रिंक होता है, अगर आपका ब्रेस्ट टिश्यू है तो एरियोला थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है, एरियोला का साइज बढ़ जाता है। अगर सिर्फ आपको सूडो गायनेकोमेस्टिया यानी सिर्फ फैट है, ब्रेस्ट ग्लैंड नहीं है,
तो एरियोला का साइज नहीं बढ़ेगा। ओह दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट रहा। तो एरियोला का ट्रैक, अगर कोई पुरानी फोटो पड़ी है आपके पास तो पेशेंट अपनी पुरानी फोटो से कंपेयर कर सकते हैं अपने एरियोला को, अगर नहीं, वो वैसी पुरानी फोटो फोटो रखते के हैं। लिए किसी और को देख सकते हैं ना, मेल्स का एरियोला बिल्कुल छोटा सा होता है। सो अब वो तो अगर वो है, ये एरियोला का तो साइज बड़ा है सो आपको मोस्ट लाइकली ब्रेस्ट इशू है। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है ये। तो ये सर्जरी के बारे में बताइए, अगर मान लीजिए किसी ने सर्जरी करानी ही पड़ती है तो कई सारे लोगों को डाउट होता है, एक तो स्कार का डाउट होता है, एक डाउट होता है कि कितनी लंबी सर्जरी होगी, कितने पेन होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि भाई ये क्या 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 चीजें उनको ध्यान में रख सकते हैं एज फार एज सर्जरी इज कंसर्न। अगर हमने समझ गया कि परमानेंट ब्रेस्ट इशू बन गया है तो हमें सर्जरी कराना पड़ेगा। अब सर्जरी में जिस तरह से होती है, 99.9% नहीं 100%, चाहे आपको कोई सा भी ग्रेड ऑफ गायनेकोमेसिया है, इट्स अ डे केयर सर्जरी। आप तो समझते हैं डे केयर सर्जरी का मतलब क्या है, कि सुबह इंसान आए, भर्ती होता है हॉस्पिटल में, सर्जरी होता है और शाम को वो घर चले जाते हैं। अगले दिन से दे रिज्यूम ऑल देयर डेली एक्टिविटीज, दे डू नॉट नीड एनी बेड रेस्ट और एनी काइंड ऑफ मेजर चेंज इन देयर डेली रूटीन। अगले दिन से अपना सारा काम वाम कर सकते हैं, कोई पेन नहीं होता, कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती, जिस तरह से हम करते हैं बेसिक पेन किलर लाइक डाइक्लोफेनाक देते हैं, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ती। और बेसिक एंटीबायोटिक देते हैं, एक एज ए प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक, फर्स्ट 5 डेज की ट्रीटमेंट है, उसके बाद कोई जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, पेशेंट को एक कंप्रेशन गार्मेंट पहनना होता है। परमजीत जी, हम जिस तरह से इसकी सर्जरी करते हैं इसको बोलते हैं डे केयर सर्जरी। आप तो जानते हैं डे केयर सर्जरी का मतलब क्या है, कि मरीज सुबह आता है, सर्जरी कराता है और शाम तक घर चले जाता है, अपना घर पे जाके रात को अपना डिनर विनर करके घर वालों से सो सकता है। नेक्स्ट डे ही कैन रिज्यूम ऑलमोस्ट डेली एक्टिविटीज, कोई बेड रेस्ट या फिजिकल रेस्ट की एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ती। बेसिक पेन किलर लाइक डाइक्लोफेनाक देते हैं पहले 4-5 दिन के लिए, बहुत पेन नहीं होता, थोड़ा खिंचाव सा महसूस होता है, क्योंकि हम एक सर्जरी सर्जरी के बाद एक कंप्रेशन गार्मेंट बनाते हैं। वो किस लिए बनाते हैं, क्योंकि हमने अंदर का टिश्यू निकाल दिया बट हम चाहते हैं कि स्किन श्रिंक करे और पीछे मसल चिपक जाए, तो एक कॉटन लाइक्रा का कस्टमाइज गार्मेंट बनता है मरीज के लिए, जो उसको पहनना होता है अगले 6 हफ्ते तक। नाउ वो जब वो श्रिंक करता है, परंदी जी आपको शायद, हाँ, सो जब वो श्रिंक करता है स्किन, उसके लिए गार्मेंट पहनना होता है, वो थोड़ा सा टाइटनेस डिस्कम्फर्ट देता है, तो पहले 5-7 दिन के लिए वो पेन किलर देते हैं और प्रोफाइलैक्टिक सिंपल एंटीबायोटिक देते हैं। पेशेंट कैन रिज्यूम देयर कार्डियो एक्सरसाइजेस आफ्टर 1 वीक, दे कैन रिज्यूम देयर वेट ट्रेनिंग आफ्टर 2 वीक्स, सो इट्स दैट कंफर्टेबल फॉर देम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो इस टाइप की सर्जरी में किसी प्रकार का कोई पेन, कोई डिस्कम्फर्ट, कोई स्कार ऐसे आने के कितने कोई कोई इश्यू ऐसा? हाँ, ये बड़ा अच्छा है, पेन डिस्कम्फर्ट को तो मैं बात कर लिया कि कोई बहुत ज्यादा पेन डिस्कम्फर्ट नहीं होता, थोड़ा खिंचाव सा महसूस होता है। मेरे पेशेंट्स ज्यादातर अगले दिन अगर वो ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस में चले जाते हैं, जो कॉलेज के लड़के होते हैं वो कॉलेज में चले जाते हैं। स्कार का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, देखिए ये समझना पड़ेगा कि जिसको गायनेकोमेस्टिया है वो टाइट टी शर्ट नहीं पहनता, थोड़े से कंधे झुका के रखता है सब कॉन्शियसली ताकि वो प्रॉमिनेंट ना हो। इसके साथ साथ वो लड़के, वो नौजवान, वो आदमी लोग स्विमिंग में नहीं जाते और बीच वॉलीबॉल में नहीं जाते। नाउ इफ वी गिव देम अ फ्लैट चेस्ट बट गिव देम अ स्कार, they'll still not go for swimming or beach holiday. So you have not rehabilitated the patient back to the society so that they can integrate very well, right? उनका जो mental stress रहा वो तो रहा ही। So परमजीत जी, हम कैसे करते हैं सर्जरी? एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं माइक्रोवेव। मैं चेस्ट के सामने कोई कट नहीं देता, साइड में कट देता हूँ, बगल 3 to 4 millimeter, that's it. 3 to 4 millimeter means less than a centimeter, half a centimeter. इसमें एक कैनुला होता है जिसको बोलते हैं ऑसिलेटिंग कैनुला। ये डिवाइस लाइपोसक्शन के लिए बनी थी बट इसका कुछ मॉडिफिकेशन होकर गायनेकोमेस्टियन कैनुलास बन गया। वो टिश्यू को ना तोड़ देता है छोटे छोटे पार्ट्स, जो ब्रेस्ट टिश्यू है, ग्लैंड, ताकि हम वो ब्रेस्ट टिश्यू को उसी 3 से 4 मिलीमीटर के कट से निकाल देते हैं। एक टेंडन टनलर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, फिर उसको जाते हैं वो अंदर से करते हैं और ऐसे निकल जाते हैं। एक और डिवाइस होती है, फिर हम वेजर करते हैं, वो स्किन को अंदर से हीट करती है ताकि स्किन टाइट हो जाए। इट वॉज एक्चुअली फॉर लाइपोसक्शन फॉर अल्ट्रासाउंड असिस्टेंट, तो ये अल्ट्रासाउंड असिस्टेंट डीप डिटेक्ट करती है अंदर से स्किन को टाइट करने। सो ऑल दी सर्जरी इन ग्रेड 1, ग्रेड 2,
इवन ग्रेड थ्री पेशेंट्स की लंग है जिनकी टिश्यू इलास्टिसिटी अच्छी है कि स्किन श्रिंक कर जाएगी, हम सामने को कट ही नहीं देते, साइड में 4 मिनट का कट। फायदा क्या होता है, सपोज कोई स्विमिंग पे जा रहा है, थोड़े पे चल के जा रहा है सामने बेयर चेस्टेड, कोई भी बंदा देख के बता ही नहीं सकता गायनेको किसी है। देयर इज नो सोशल स्टिग्मा ऑफ प्रीवियस गायनेको सर्जरी डन, आपको ये फायदा। नहीं बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया नया कॉन्सेप्ट देखा आज, बट बहुत ही अच्छी चीज है। मैं आई एम श्योर कि व्यूअर्स को भी ये पहली बार सुनने में मिला होगा, काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो इस पर्टिकुलर चीज का कोई एवरेज जो कॉस्ट आता है पेशेंट को, उसका भी कुछ आइडिया दे दीजिए, ताकि लोगों को एक आइडिया आए कि हाँ इसका जो कॉस्ट फैक्टर है वो क्या बैठ जाता है उनके केस में। जिस तरह से मैं सर्जरी करता हूँ इसका जो कॉस्ट आता है थोड़ा सा डिपेंड करता है बिटवीन ग्रेड, नेचुरली क्योंकि सर्जरी का ड्यूरेशन बदल जाएगा, चीजें बदल जाएंगी। ग्रेड 3 अगर ओल्डर एज में, ग्रेड 4 है तो उसमें स्किन रिमूवल भी करना पड़ता है, स्किन एक्सेस काफी हो जाती है, सो वो टोटली एक अलग चीज हो जाती है। ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी ही हो जाती है ऑलमोस्ट सिमिलर टू फीमेल ब्रेस्ट रिडक्शन इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ ग्रेड 4 जैसे फीमेल ब्रेस्ट आमतौर पर, लेकिन 95% पेशेंट्स को ग्रेड 1 ग्रेड 2 ही होता है या 2 प्लस तक होता है। So, उसका जो कॉस्ट आता है वो मैं जो लेता हूँ वो 60,000 से लेकर 90,000 रुपीज के बीच में रहता है सर्जरी का। अब लोग कहते हैं कि सर आप थोड़ा सा महंगा थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं, मैं बोलता हूँ कि भैया हमने आपके साथ के सामने 2 निशान बचा दिए, उसकी क्या कीमत है। बिल्कुल सही बात है, देखिए अब क्वालिटी की कुछ तो कॉस्ट होती ही है। सो अगर हम इस तरीके से कंपेयर करें तो ओवरऑल इंडिया भर में एक ही रेट होता है या ऐसा है कि ये टेक्नोलॉजी वाइज हमारा क्योंकि सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, बेटर क्वालिटी है, एक एस्पेक्ट तो है, बिकॉज़ क्योंकि एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडिया भर के लोग अगर इसे देखते हैं तो उनके लिए ये टेक्नोलॉजी सिर्फ दिल्ली में है या इंडिया में और किसी जगह पे हो रही है और वहां पर वो इसको अर्ज कर सकते हैं, या क्या हिसाब है इसका। देखो मेरे हिसाब से जो ये टेक्नोलॉजी माइक्रोवेव लेजर दोनों USFDA अप्रूव्ड है टूल्स, और दोनों बहुत ही विख्यात टूल्स हैं ग्लोबली, और इंडिया की ऑलमोस्ट हर मेन सिटीज में एक दो तीन प्लास्टिक सर्जन हैं जिनके पास है। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई टूल्स है, ये FDA अप्रूव टूल्स हैं। हाँ मैं इन टूल्स का मास्टर ट्रेनर भी हूँ डॉक्टर परमजीत, मैं इनका की ओपिनियन लीडर हूँ, मास्टर ट्रेनर हूँ, तो जो भी क्लासेस लेते हैं वो मेरे पास सीखने भी आते हैं। सो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का कॉस्ट तो है ही, कंज्यूमर भी होते हैं इस टेक्नोलॉजी में और जो डिवाइस है उसका कॉस्ट है। दूसरा परंजीत जी, कॉस्मेटिक सर्जरी ना इज लाइक एन आर्ट, सो यू आर ऑल्सो पेइंग सम अमाउंट फॉर दैट आर्टिस्ट, ठीक है। अब इसमें मतलब इट्स नॉट सिंपली मैथमेटिक्स, इट्स नॉट, इट्स एन आर्ट प्लस मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस का कॉम्बिनेशन है। सो आप, मैं तो हर पेशेंट को बोलता हूँ कि आप अपने डॉक्टर से मिले, जिनको भी आप सोचते हैं कि सर्जरी करा सकते हैं, उनके कुछ रिजल्ट देखें, बिफोर आफ्टर देखें, उनसे मिलकर समझें, टेक्नोलॉजी समझें किस तरह से हो रहा है, आपके छाती के सामने स्पार्क बज रहा है, एंड देन डिसाइड कॉस्ट। तो देखो गायनेको वैसे सर्जरी की मैं जानता हूँ जो 10,000 रुपए में भी हो जाती है, राइट। तो दूसरी बात परमजीत जी, एक और चीज है कि ये सर्जरी सिर्फ प्लास्टिक सर्जन नहीं कर रहे, आप जानते ही हो कि इंडिया में लॉ तो बने हुए हैं लेकिन लॉ एनफोर्समेंट बहुत होता है, सो बहुत से ऐसे डॉक्टर कर रहे हैं जो प्लास्टिक सर्जन भी नहीं है, सो कॉस्ट को तो फर्क आ रही, लेकिन विस्तार फिर तो ज्यादा ही आएगा, फिर वो तो दिक्कत होगी अगर प्लास्टिक सर्जरी और एक नॉर्मल सर्जन में ये बड़ा बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। इवन इफ यू टॉक अबाउट सम स्टिचेस, एक स्टिचेस मारने भर में प्लास्टिक सर्जन के इसमें स्कार नाम की चीज नहीं होती है और एक नॉर्मल दांतों का वो इतना बड़ा स्कार बन जाता है, तो ये डिफरेंस तो है जो है इंडिया के अंदर। तो अगर अगर करने के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर अगर आप देख रहे हैं और आप स्कार से परेशान हो रहे हैं, तो फिर सबसे जरूरी एस्पेक्ट है फिर आपको उस पर्टिकुलर टाइप के स्पेशलिस्ट से बात करनी होगी, और ऑब्वियसली एक स्पेशलाइज्ड पर्सन जब स्पेशलाइज्ड होता है तो उसके स्पेशलाइज्ड में थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाता है। तो अगर आपका कॉस्ट फैक्टर आपके केस में इश्यू नहीं है तो फिर इस प्रकार की किसी भी प्रोसीजर के लिए एक स्पेशलाइज्ड पर्सन के पास ही जाने चाहिए, और ऐसे ही एक हमारे पास स्पेशलाइज्ड डॉक्टर आए आज आए हैं डॉक्टर रजत गुप्ता, तो इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देंगे, अगर कोई इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहे अकॉर्डिंगली अपने कंसल्टेशन के लिए
या किसी नॉलेज पर्सन के पर्पस के लिए कि इस सर्जरी के बारे में और कुछ जानना हो तो आप जरूर इनसे बात कर सकते हैं। और अगर आप इनसे और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हम आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिखिए, फिर हम इनसे बात करके एक और बार इनका समय लेंगे और कोशिश करेंगे कि अगली बार इनको लाइव लेकर आए ताकि लाइव आपके साथ इंटरेक्ट कर सके इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। कई सारे लोग हैं जिनके गायनेकोमेस्टिया पे सवाल रहते हैं, बहुत ज्यादा अजीबोगरीब नए नए सवाल होते हैं, तो हम चाहेंगे कि ये फिर एक बार हमारे साथ आए लाइव, तो हम कोशिश करेंगे। और अगर आपकी इच्छा होगी, आप व्यूअर्स चाहेंगे, तो जरूर नीचे कमेंट करके मुझे बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रजत आपका हमारे साथ समय निकाल के आने का अपने बिजी शेड्यूल से, इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट में डॉक्टर रजत आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक और चीज कहना चाहूंगा परमजीत जी, मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ, मैं तो आपका ऑलमोस्ट फैन ही हूँ जैसे बहुत से लोग हैं दुनिया भर में। आपकी बहुत सी वीडियोस मैंने देखी है जिसमें आप मेंशन करते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड्स, स्पेशली आपके फिटनेस वाले इश्यूज पे जो चैनल है। वन ऑफ द वेरी कॉमन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टेकिंग स्टेरॉइड्स इज गायनेकोमेस्टिया। एग्जैक्टली, बिकॉज स्टेरॉइड क्या है, हार्मोन ही तो है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, वो जब बॉडी में एक्सक्रीट होता है तो बहुत से स्टेरॉइड ईस्ट्रोजन बनके एक्सक्रीट होते हैं, तो जब लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का फर्क हो जाएगा तो गायनेकोमेस्टिया बनता है। अदर देन अदर सिस्टमिक स्टेरॉइड बेस्ड इस साइड इफेक्ट के चलते ही यंगस्टर में बहुत ज्यादा कॉमन है, और जो लोग अपने फिजिकल एस्पेक्ट को बेटर करने के लिए स्टीरॉइड लेते हैं उन लोगों की फिर ये टेंडेंसी भी ज्यादा होती है कि गायनेकोमेस्टिया को ठीक करने के लिए वो उल्टी सीधी दवाएं लेनी शुरू कर देते हैं, कभी आयुर्वेदिक कभी होम्योपैथी, और फिर अल्टीमेटली उनके उनके कुछ साइड इफेक्ट उनके कुछ साइड इफेक्ट फिर अल्टीमेट हमारे पास आते हैं कि सर हमने ये कर लिया हमने वो कर लिया। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये बहुत जरूरी है जानना कि गायनेकोमेस्टिया एक अगर ब्रेस्ट टिश्यू बन चुका है तो उस टिश्यू को आप किसी दवा से कम नहीं कर सकते, राइट? उसके लिए आपको प्रोसीजर ही करवाना पड़ेगा, और वो एक लेवल एक पर्टिकुलर प्रोसीजर एक स्पेशलिस्ट करे तो ही बेस्ट होता है। सो ये मैसेज है पूरे जनता के लिए जो देख रही है, और स्टीरॉइड यूज करने वाले जो करते हैं वो भी समझ लें कि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। अगर आपने साइड इफेक्ट्स के बारे में नहीं देखा है तो हमारे वीडियो जाके देखिएगा स्टीरॉइड्स बाय डॉक्टर एजुकेशन। और डॉक्टर रजत का भी एक चैनल है यूट्यूब में जिसके बारे में जिसका लिंक हम नीचे दे देंगे, आप जाके उसे देख सकते हैं, और उस चैनल पे भी आपको इस प्रकार की नई नई जानकारी आगे आती रहेगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ आने के लिए, आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच, सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ।